From every story, we learn new things. That is a good thing. अच्छा, हम सब देशवासी अपने अपने देश को बहुत चाहते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपने जान देकर अपनी देश की मिट्टी को सुरक्षित रखते हैं। Like this, एक सोल्जर जिसका नाम अलोक था, वो इंडियन मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहा था 2 सालों से, और फाइनली वो एक समझदार, ऑनेस्ट एंड स्किल्ड सोल्जर बना। और एक दिन अपने कैंप में बैठा था और उसी समय उसका बेस्ट फ्रेंड क्ला वहां पर आया। द सीन वन बिगिंस। ए ओलो, क्या कर रहे हो दोस्त? ही बस माँ की पिक देख रहा था। तू तो आना थे, तो किसकी पिक देख रहे है? मुझे भी दिखा। ये देख, हमारे देश की पीक है। अगर देश को भी प्यार करो तो माँ को भी प्यार मिलता है। तुम महान है भाई, तू इतनी अच्छी सी गन कैसे चला लेते हैं? मुझे भी बताओ। प्रैक्टिस कर कर के सिखाऊं, तुम भी जरूर जल्दी सीख जाओगे। बहुत प्रैक्टिस की पर उतना अच्छा गन कभी नहीं चला पाया मेरे दोस्त। अच्छा चलो मुझे दिखाओ। एक गन दे दो। AWM चलाओ, मैं भी देखता हूँ मेरा दोस्त कितना अच्छा गन चला लेता है। मक्खन मत लगा, फिर भी मैं तेरे जैसा गन कभी नहीं चला पाऊंगा। उसके बाद दोनों ही गन चलाते हैं। उसके बाद उल्फ्रा आता है वहां पर। शो ऑफ कर रहे हो लोग, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जाए। अच्छा गन चला सकते हो तो अपने आप को मुझसे महान समझ लिया? ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान मत दो, वो एक पागल है, वो सिर्फ तुमसे जलता है और कुछ नहीं कर सकता। भाई तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो नहीं आते मेरे पास। तुम्हें देखने की भी इच्छा नहीं है मेरे पास, पर कमांडर ने बुलाया है तुमने, इसलिए आया हो। उसके बाद क्ला और ओलोक कमांडर के पास जाते हैं। यस सर। ओलोक, हमारे पास एक खतरनाक मिशन है तुम्हारे लिए। तुम्हें बारमूडा जाकर बुइया लेकर आना होगा। बुइया क्या है सर? उसका मतलब जीत। 50 सोल्जर को मार के खत्म करना पड़ेगा तुम्हें, और हमारे सीक्रेट वीपन हो तुम। Jump 100 meters ahead.
रोकेगा तुझको ये रब है लोहा तू, है लोहा तू। जोश तो लेके तूफानों का बागी, जज्बा चट्टानों सा आजमा तू, ले आजमा तू। है जुर्रत तेरे इरादों में, तेरी सांसों में, इन बाहों में, आ लड़ जा तू हालातों से। Then Alok went to battlefield and completed his mission. 2. जब Alok जीत की ट्रॉफी ले आ रहा था, उसी समय उसका बचपन का दोस्त केली उसके पास आई और उसे कहा, कैसे हो तुम? मुझे बहुत डर था, तुम्हें पता नहीं कितनी फिकर कर रही थी तुम्हारे लिए। ओहो, I love you, my केली। या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? उसके बाद दोनों की एंगेजमेंट हुई और सभी ने उन्हें बधाई दिया। और दूसरी साइड उल्फ्रा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने ही दुश्मनों के साथ उसने हाथ मिला लिया, जिससे कि वो अलोक को खत्म कर सके। क्या आप सब मेरी बात सुनेंगे? हाँ भाई, बताओ, सुन रहा हूँ। उल्फ्रा, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, अलोक दुश्मन एक सीक्रेट प्लान बना रहा है, तो हम क्या करें अब? हाँ सर, हमारे ग्रुप में कोई तो है जो हमारी सारी डिटेल उनको लीक कर रहा है। कौन हो सकता है वो? नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद दूसरे दिन उल्फ्रा रफाइल के पास गया और बताया, सर क्या आप जानते हो कि हमारे डिपार्टमेंट में वो और कोई नहीं, अलोक ही है जो सारे डिटेल्स लीक कर रहा है। कोई प्रूफ है? सर, वो कौन था जिसने आपको ये बात बताई थी? आप ही सोचिए कि अलोक कैसे ये सब जान। नेक्स्ट डे, आज हम एक सोल्जर को सस्पेंड करने वाले हैं। कौन है सर? वो तुम हो, पकड़ लो इसे। बाद अलोक जान बचा के भागता है वहां से। वो जाकर केली के पास छुप के रहने लगा और यहाँ पर उल्फ्रा ने सबको मार दिया और खुद कमांडर बन गया और क्ला को अपने साइड ले गया। 25 years later, आज पूरे 25 साल हो गए पर मैंने अपने देश के लिए कुछ भी नहीं किया। उदास मत हो, उन्होंने तुम्हें गलत समझा। कहा Entry of the cousin of Kelly. सब जानते हो, मैंने चुप कर दुश्मन के को सुना, उन्होंने आज 15 अगस्त एक बॉम ब्लास्ट करने वाले हैं, हमें सबको बचाना पड़ेगा। मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, मैं इस देश की मिट्टी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। मत जाओ, मुझे माफ कर दो, पर मैं इंसानों की तरह नहीं, मैं एक हीरो की तरह मरना चाहता हूँ।
Everybody's going to the party, have a real good time. यहाँ पर अपने आखिरी सांस तक लड़ता रहा, पर आखिर में वो मर गया। उसके बाद हयातो उदास होकर आया और बताया, आज एक सच्चा हीरो पैदा हुआ। मैं आलोक का दोस्त हूँ, ये मुझे गर्व है।